Okay, dear students, good morning. Now in class 12, in your chapter 2, the end of bipolarity. The topic is here, the shock therapy in post-communist regimes. And as you know that, or we have discussed so many times about the communist regimes and post-communist regimes. Now the matter is here, and the first point is the model of transition in Russia, Central Asia, and East Europe from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. Now we have to understand, look here, what is the meaning of authoritarian communist system? Authoritarian communist system means a system which took everything under its control and never gives freedom to its citizens. And then this is called the communist system. But now a transition from communist to capitalist system, we have seen in previous lectures or previous topics about the toppled of Berlin Wall, and then after a new era started of the capitalism, the transformation of communist to capitalist. And then they were attracted towards capitalism for the freedom of their lives or freedom in everything. So the model of transition in Russia, and then this model is transited from Russia, from Central Asia and East Europe, from an authoritarian socialist system. And then this system is despotic system, in my opinion. The system is despotic system, and the administrators and the leaders did everything in their own favor, not in favor of citizens of that country. So a revolution started against such systems, and Russia, Chechnya, and Belarus said, now Soviet Union is disintegrated. We are not the part of Soviet Union. We are not part of the USSR. Then a union of 15 countries completely disintegrated. And one country became Russia, Chechnya, Belarus, or Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, or any other countries. तो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरह से इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से पावर को जो हटाया गया, और ये जो पावर का जो ट्रांजिशन चेंजिंग था कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट से इसको कैपिटलिज्म की तरफ ले जाना था. देखिए, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब ही होता है एक ऐसी सरकार जो ऑथोरिटी, जो अपने शासन को बहुत ज़्यादा सख्त रखती है. उसमें ना तो सिटीजन को कोई फ्रीडम होता है, सिटीजन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है. एक चीज़ है कि इसमें एक फ़ायदा है कि हर चीज़ में सब्सिडी होता है, हर ऑफिस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होते हैं. लेकिन एक समस्या ये भी है कि सिटीजन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, सिटीजन कुछ कह नहीं सकता है. यही बातें निहित थी इस रेवोल्यूशन के पीछे, इस क्रांति के पीछे. क्योंकि 1913 में जब रसिया में बोल्शेविक क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद जो सिचुएशन हुआ, उस सिचुएशन में यह बात कहा गया कि अब ये सोशलिज्म को अपनाएगा, और सोशलिज्म की तरफ पूरी दुनिया का आकर्षण था. इसलिए भी था कि उस ज़माने में कुछ लोग अमीर होते थे, बाकी बहुत बड़ी जनता जो है आपको वो जो है सो गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेकारी, अन्यथा बधवा मजदूर का काम करती थी. तो लोगों का एक अट्रैक्शन इस तरफ आया कि चलो अब ठीक है, अब धन का बंटवारा सबके बीच में बराबर होगा, और इससे ये होगा कि उसकी भी ज़िंदगी सुनिश्चित होगी, उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी. लेकिन ये जैसे ही एक टर्न लिया एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ, तो एक समस्या तो ये हो गई कि आपका जो ये गवर्नमेंट है, ये सिर्फ 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग बैठ करके सारी चीज़ों को अपने अंदर कर लेते हैं, और करने के बाद वो अपने हिसाब से काम करते हैं. अगर उनके सरकार के खिलाफ आपने कुछ भी कहा तो वहाँ सजा बहुत सख्त है. तो मान लीजिए कि सरकार की नीति गलत हो गई तो सिटीजन कुछ नहीं कर सकता है. आखिर देश चलता किससे है? सिटीजन से है. ये जो है, सरकारें तो कोई काम नहीं करती है, सिटीजन ही करता है. तो सिटीजन ही सब कुछ करे, लेकिन सिटीजन को न सिक्योरिटी हो, सिटीजन को न फ्रीडम हो, सिटीजन को लिबर्टी नहीं हो, सिटीजन को फ्रीडम टू राइट नहीं हो, एक्सप्रेशन नहीं हो, तब एक विद्रोह तो आता है. क्योंकि तब फिर राजा के शासन में और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में क्या अंतर रहेगा? वहाँ पावर का सेंट्रलाइज्ड एक आदमी में था, यहाँ पावर का सेंट्रलाइज्ड कुछ लोगों में है, और बाकी सारी जनता इसको झेल रही है. समस्या यहाँ होती है कि हम इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. क्योंकि 1945, देखिए एक चीज़ सोच लीजिए कि पहली बार फ्रांसीसी क्रांति से ये लिबरेशन, ये एक भावना लोगों में आई कि हम सोसाइटी में अपने हिसाब से रहेंगे, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे. इसीलिए राजा के शासन को ख़त्म करने के लिए ही फ्रांस की क्रांति हुई थी. लेकिन फ्रांस की क्रांति होने के बाद, अब आप फिर अगर फ्रांस की क्रांति के बाद देखेंगे, तो धीरे धीरे दुनिया में लोग, समाज
और फिर समाज सुधारक आए, जैसे उस समय जॉन लॉक थे, रूसो थे, वाल्टेयर थे, आपको लियो टॉलस्टॉय थे, और इन लोगों ने जो लिखा, मारिया अबे थे, मॉन्टेस्क्यू थे, इन लोगों ने जो बातें कही उस हिसाब से अब समाज में लोगों का नज़रिया भी बदलने लगा था। एक ज़माना था कि लोग कहते थे राजा भगवान है, लेकिन अब कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि राजा भगवान है या राजा भगवान हो सकता है। तो जब एक विचारधारा ही समाप्त हो गई तो लोगों में आ गया, पहले तो लोगों में यही बात थी कि नहीं, हमको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी, लेकिन अब ये बात नहीं थी, अब ये बात, ये विचारधारा ध्वस्त हो चुकी थी कि कोई किसी को पढ़ा सकता था, समझा, गलत तरीके से उसका दुरुपयोग कर सकता था, अब ऐसा नहीं हो सकता था। तो फिर नई बात सामने आई, और जो नई बात सामने आई वह यही थी, हमारी आज़ादी, हमारा फ्रीडम। तो फिर दुनिया ने सोशलिज्म को अपनाया फ्रीडम के लिए, लेकिन सोशलिज्म जब ट्रांसफर्ड हो गया कम्युनिज्म में तो हमारी आज़ादी चली गई। जब आज़ादी चली गई, लेकिन वो जो आग लगी थी 1789 से, वो तो आज भी लोगों के दिल में कहीं ना कहीं सुलग रही थी कि हमारी आज़ादी है, हमारे ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। देखिए सिविक्स में एक मैटर आता है, 11th में आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्स्ट्रेंट, निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, पॉजिटिव कॉन्स्ट्रेंट। तो देखिए ये निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट पॉजिटिव हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट लाया गया ये बड़ा गलत था। इसी निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट के खिलाफ जब वहाँ की जनता एकजुट हुई, लड़ने लगी, और फिर जब क्या कहते हैं सो लड़ाई शुरू हुआ, तो इस लड़ाई का नतीजा यही निकला कि लोगों ने कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट को ही ठुकरा दिया। देखिए एक बात तय है कि हर चीज़ का अंत होना निश्चित है, कोई भी चीज़ अपने समय से आती है और फिर समय से चली जाती है। एक समय था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आया, एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने उसका विरोध किया, विद्रोह किया, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट समाप्त हो गया। तो सवाल है कि ये ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट से, सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की ओर चला गया, जिस पर पूरी दुनिया जिससे प्रभावित थी, जिस सिस्टम से, और दुनिया भी चाहती थी कि इसको अपनाए, और इसका नतीजा क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ जाने का मतलब ये था कि अब आपको ये चीज़ समझना होगा कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में क्या क्या फ़र्क होते हैं। तो देखिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में एक बात क्या है कि कम्युनिस्ट जो होते हैं या सोशलिस्ट का जो वादा करते हैं, कम्युनिस्ट में हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उसमें कोई भी चीज़ जो है आपका नहीं है, आप सिर्फ एक वर्कर के रूप में काम करते हैं, और पांच लोग उसमें जो मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं वो उसमें इंजॉय करते हैं, वो अपने पावर, सत्ता, सुख से इंजॉय करते हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में एक खास बात क्या है कि अगर आप कैपिटलिस्ट में हैं तो यहाँ जो है सो दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। अब आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फ़र्क क्या है। तो अगर स्कूल पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का भी है तो प्राइवेट सेक्टर में आपको प्राइवेट का भी है, आप इसमें कर सकते हैं, आपको आज़ादी है, आप अपने हिसाब से इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, आप में क्षमता है तो आप बहुत बड़े पैसे वाले या रिच व्यक्ति बन सकते हैं। हाँ, उसमें है क्या कि आपको टैक्स देना पड़ता है, मेन मुद्दा यही है कि सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। इसीलिए ये जो चीज़ें थी और इसमें फ्रीडम था, कोई कॉन्स्टेंट नहीं था, फ्रीडम था, लिबर्टी थी, कोई भी निगेटिव कॉन्स्टेंट नहीं था, ऐसा नहीं था कि कोई सत्ता, कोई सरकार आके आपको कहेगी कि अभी ये चीज़ करना होगा और वो चीज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा भी कोई कॉन्स्टेंट नहीं था। सरकारें चुन के आती थी, सेम समय पर इलेक्शन होता था, पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट था, जो जिन चीज़ों का अभाव, देखिए कम्युनिस्ट में वन पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट होता है, अपोजिशन नहीं होता है, इसमें पार्टी सिस्टम का पार्टी होती है, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां होती है, कहीं कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, और यह भी है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों होता है। और एक चीज़ इसमें गौर करने लायक बात यह है कि अगर मान लीजिए कि सरकार से आपको अपना विरोध जताना है तो आप हर चीज़ के लिए आप आगे आ सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका ये विरोध जो है सो आपका इस मुद्दे पे है, और अगर आप बोलते हैं तो अपोजिशन आपका साथ देता है, फिर चुनाव होता है, फिर सरकार चुनाव हार जाएगी अगर वो गलत होगा कोई भी नीति। लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ऐसा होता ही नहीं, सरकार बदलती ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर के वहाँ के लोग काफ़ी इससे आहत थे, और जिस, हमने आपको पहले भी कहा है कि जिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों के दिमाग में एक फ्रीडम, एक लिबर्टी, एक सोसाइटी लाया, तो इसके साथ ये फ्रीडम, लिबर्टी और सोसाइटी के साथ एक बात क्या आई कि हमने अपोज किया कॉन्स्टेंट का। किसका अपोज किया? कॉन्स्टेंट का।
और हम नहीं चाहते हैं कि फिर कोई कॉन्स्टेंट हम पर आवे। देखिए, कॉन्स्टेंट दो तरह का होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कॉन्स्टेंट इसलिए ज़रूरी है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए ज़रूरी है कि वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ के लिए, अगर आपको बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए किसी भी स्थिति में तो वो क्या होता है कि आदमी फिर गलत भी कर सकता है। इसीलिए इसमें जो है पॉजिटिव कॉन्स्टेंट की आवश्यकता तो है, लेकिन निगेटिव कॉन्स्टेंट, ये बेवजह किसी पर दबाव डालना, ये एक कॉन्स्टेंट की भावना गलत है। इसी को डिस्पोटिक सिस्टम कहा जाता है। अब होता क्या है, दुनिया के जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं वो अपने हिसाब से शासन करते हैं और सत्ता बदलती ही नहीं है। तो उस नेता को जब सत्ता ही नहीं बदलेगी तो उसको किसी चीज़ का खतरा नहीं है। यहाँ तो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में हमेशा नेता इस बात से डरता है कि सत्ता बदल जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी। टू पार्टी सिस्टम में ये बात है, मल्टी पार्टी में तो और भी बहुत बड़ी बातें हैं। तो इसीलिए ये एक चेंज लाने के लिए, जो वहाँ से जो एक सिलसिला चला था वो सिलसिला आके 1917 में बोल्शेविक क्रांति में रुका, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि उनके जो हैं सो दुख अब दूर हो जाएंगे 1917 रशियन रेवोल्यूशन। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर फिर कुछ दिन के लिए लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर जो बात थी ये सारा शासन व्यवस्था, तो फिर राजा कहीं तरह हो गया। तो फिर लोगों ने इसको भी इग्नोर किया और उसके बाद यहाँ से जो है सो वो लोग ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसको रिजेक्ट करके डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपना लिया। और यहाँ से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का इन्फ्लुएंस बढ़ा, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये वर्ल्ड बैंक क्या है, तो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के देशों को समय समय पर किसी आपदा से, किसी महामारी से, किसी भी तरह के किसी भी समस्या से निपटने के लिए और अपनी तरक्की करने के लिए उसको पैसे देती है। तो अब क्या हुआ कि दुनिया में एक बात और भी आ गया कि अब कोई देश किसी देश पर डिपेंड नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से आप पैसा ले सकते हैं और फिर उसको वापस भी किया जाता है। भारत का भी कुछ कर्ज था, आज भी है, बहुत सारे देश वहाँ से लेते हैं और अपना काम करते हैं। एंड देन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ड्यू टू द कॉलेप्स ऑफ कम्युनिज्म। देखिए, एक चीज़ क्या है कि ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुआ कि कम्युनिज्म कॉलेप्स्ड हो चुका, क्योंकि जिस समय की ये बात है, आप आज अगर थोड़ा सा इतिहास पर भी ध्यान दीजिए, चूँकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, 1939-1945 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। अब 1961 के बाद या उस समय 1945 से 61 के बीच में आप देखे होंगे तो ब्रिटिश इरा से बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे, ब्रिटिशर्स के इससे बहुत सारा कंट्री आज़ाद हुआ था। तो वो जो आज़ादी उसको मिली थी ब्रिटिशर्स से, वो सारे देश को भी अब डेवलप होना था, आगे जाना था। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि आपका वर्ल्ड बैंक का भी बहुत बड़ा योगदान इन तरक्कियों को करवाने में है, क्योंकि अगर वर्ल्ड बैंक नहीं होता, अगर IMF नहीं होता, अगर इसका इन देशों में इसका प्रभाव नहीं होता, तो एक समस्या हमेशा से हो सकती थी कि आखिर इन देशों को तब फिर पैसा कौन फाइनेंस करेगा। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ड्यू टू द कॉलेप्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म बिखरा, देश अलग हुए और वो देश धीरे धीरे अपनी अपनी तरक्की के लिए अपने जो दुनिया के देशों की तरफ देख रहे थे उनको एक सहारा मिला और वो भी आगे बढ़े। There was a need to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out completely due structures evolved during the Soviet period. एक चीज़ यह भी है कि any structures evolved during the Soviet period. अब देखिए कि ये जो सरकार थी कैपिटलिस्ट की जो चल रही थी, कम्युनिस्ट की जो चल रही थी, अब ये जो कैपिटलिस्ट आया तो ये चाह रहा था कि वो सारा स्ट्रक्चर ही ध्वस्त कर दे जो कि कम्युनिस्ट का था, जो कि कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट कर रहा था, वो सारा स्ट्रक्चर को ध्वस्त करके वो आगे निकले। इसीलिए उसकी सोच ये थी कि उसके दिमाग में एक बात ये था कि ये सब भी अब कुछ नहीं रहने देना है, इसको हमेशा के लिए ध्वस्त करके इसके ऊपर जो है कैपिटलिस्ट का झंडा होना चाहिए और हर जगह कैपिटलिस्ट एक आइडियोलॉजी है जिसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो जाना चाहिए। इसीलिए वो इसमें लिखा गया है रूटिंग आउट कम्प्लीटली एनी स्ट्रक्चर से इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। वो सारा जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था सोवियत पीरियड में, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, उन सारी चीज़ों को ध्वस्त कर देना है, समाप्त कर देना है। एक मैटर आता है, शॉक थेरेपी ऑल्सो इवॉल्व ए ड्रेस्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमिक्स।
देखिए, इसको समझने से पहले एक बात समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी एक बहुत बड़ा महत्व अदा करता है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इकोनॉमी की। अब किस सेंस में होती है, तो कोई भी राष्ट्र अगर तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसका इकोनॉमी बिल्डअप होता है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक अलग खास पहचान होती है, तो उस देश का एक अच्छा भविष्य उस देश के सिटीजन का भी होता है। जैसे भारत 1947 में आज़ादी मिली, 1965-66 अगर आप देखिएगा तो भारत बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहा। फिर उसके बाद लेकिन एक ज़माना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था या तो इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री 3-4 घंटा बैठ के अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं हुआ और फिर वो वापस चले आए। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इंतज़ार करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आए। तो देखिए ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि उस समय अमेरिका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फील्ड नहीं बना सका था, भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेटस लेके नहीं चला था, लेकिन आज उसका एक इकोनॉमिक स्टेटस है, मार्केटिंग है, एक अपनी समुचित व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के चलते आज भारत को दुनिया के देशों में एक स्थान मिलता है। तो हर एक देश का अपना एक लक्ष्य होता है कि वो किसी भी तरह से अपने इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करे। तो यहाँ पर क्या है कि इस घटनाक्रम के बाद एक नई बात सामने आई, और वो बात क्या थी कि अब वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब भी अब लोगों को मदद करने के लिए तैयार थे। और इससे एक चीज़ बेहतर हो रहा था कि अब व्यक्ति अपने खुद का साम्राज्य खुद तैयार कर सकता था। साम्राज्य मतलब एम्पायर मत समझिए, जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी के फादर एक छोटे बिजनेसमैन थे, बहुत ही छोटे स्तर से, आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती 1 to 10 में है, टॉप 10 में गिने जाते हैं। लेकिन ये क्या किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो एक बात है, यहाँ से एक चीज़ जो स्टार्ट हुआ कि लोग अपने साम्राज्य को तैयार करने लगे, एक बेहतर भविष्य बनाने की बात सोचने लगे, और यहीं से स्टार्ट हुआ। और यही जो एक शॉक थेरेपी था, इस शॉक थेरेपी का मतलब ये था कि अब हम सोशलिस्ट सिस्टम को समाप्त करके एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाएंगे, जिसमें हमको हर तरह का सुरक्षित होने का या हर तरह की सुरक्षा सुनिश्चित होने का हमको आश्वासन मिलेगा, हम उसी को अपनाएंगे। और यही था डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस सिस्टम के बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ओके, थैंक यू।